हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चना फ्राई की रेसिपी जो बहुत ही चटपटे और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, देख लेते हैं हमने किस तरीके से इनको तैयार करा है। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी काबुली चने लिए हैं, आप इसको छोटे बड़े साइज़ में कोई से भी ले सकते हैं। तो इनको मैं एक बाउल में डाल रही हूँ, इसमें मैं पानी डालकर इनको भिगो दूँगी। कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए मैं इनको भिगो कर रखूँगी। 8 से 10 घंटे छोलों को भीगे हुए हो गए हैं और छोले बहुत अच्छे से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर दूंगी बॉईल करने के लिए। छोलों के अंदर जो पानी था वो मैंने छन्नी में डालकर छोलों को छान दिया है और पानी इसका निकाल दिया है। तो इसको मैं कुकर के अंदर डाल लूँगी और इसके अंदर मैं थोड़ा ही पानी डालूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सीटी लगाने के लिए सिर्फ 1/2 गिलास पानी मैंने इसके अंदर डाला है। 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे और कुकर को बंद करेंगे। कुकर बंद करके हमें इसमें 3 से 4 सीटी लगानी है, हमें इसे लो फ्लेम पर नहीं गलाना है, थोड़े से हमें चने को खड़ा रखना है। तो कुकर को हमने खोल लिया है, छोले भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसमें पानी भी नहीं है, थोड़े से खड़े छोले हैं। तो इसको हम जब फ्राई करेंगे बाकी वो इसमें पक जाएंगे। छोलों को हमने एक बाउल के अंदर कर लिया है, तो इसके अंदर हम 1/2 नींबू का रस डालेंगे और कुछ पिसे मसाले ऐड करेंगे। पिसे मसालों में 2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 चम्मच भरकर चाट मसाला ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच ही हम पिसे हुए जीरे को डालेंगे। सारे मसालों को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, फिर इसके अंदर हम अरारोट डालेंगे। मैंने अभी यहाँ पर 1 चम्मच अरारोट डाला है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और डाल लूँगी। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन डाला है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। सारे सूखे मसाले अच्छे से छोलों पे चिपक गए हैं, तो इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। पानी डालकर भी मैंने छोलों को मिला लिया है, तो मुझे अरारोट कम लग रहा है, तो मैं 1 चम्मच और अरारोट डालेंगी, यानी कि मैंने 2 चम्मच अरारोट डाला है इसके अंदर और अच्छे से मिलाएंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी और हरा धनिया के साथ ही 2 चम्मच दही ऐड करूँगी और दही डालकर भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से छोले सारे मसाले में मिल गए हैं, तो हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था और तेल अच्छे से गरम हो गया है, तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम छोलों को डालेंगे। छोलों को हम इस तरीके से डालेंगे ताकि वो ज़्यादा चिपके नहीं, जितना हो सकता है हाथ को चलाते हुए, उंगलियों को चलाते हुए इस तरीके से डालेंगे छोलों को। और इसी तरीके से जितने हमारे कढ़ाई के अंदर आ जाएंगे छोले उतने हम डाल देंगे। छोलों को कढ़ाई के अंदर डाल के 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसको चलाएँगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है, तो इसको हम चलाएंगे। चलाते हुए इसे 2-3 मिनट तक और फ्राई करेंगे अच्छा सा कलर आने तक। छोलों को पकते पकते 5 से 6 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा कलर हमारे छोलों पर आ गया है। तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। सारे छोलों को हमने बाहर निकाल लिया है, इसी तरीके से हम बाकी छोलों को भी फ्राई कर लेंगे। सारे छोलों को हमने फ्राई कर लिया है, तो इसके अंदर उन्हें और चटपटा बनाने के लिए एक बाउल में कर लेंगे और उसके अंदर हम मिलाएंगे चाट मसाला। ऊपर से इसके अंदर हमने 1/2 चम्मच चाट मसाला मिलाया है, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके अंदर डालकर भी मिक्स करेंगे। इसको हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चटपटे बनकर ये तैयार हैं, आप इसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। जब आपका दिल करे कुछ चटपटा खाने के लिए आप इनको बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो अगर हमारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।